नमस्कार दोस्तों, विवेक हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है आज यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A20s और रेडमी का नोट 7s। मैं करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का फुल कंपैरिजन। और फुल कंपैरिजन के लिए बात करें सबसे पहले दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन की, तो थिकनेस आपको बता दूँ दोनों ही फ़ोन की A20s 8mm थिकनेस के साथ आता है, वहीं नोट 7s आता है 8.1mm थिकनेस के साथ। साथ ही ये कुछ इसके फिजिकल कीज़ की आप लोकेशन आप देख सकते हैं। नोट 7s में टॉप में आपको रिमोट कंट्रोल सेंसर मिलता है जो कि A20s में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही दोनों ही फ़ोन में नॉइज कैंसिलेशन माइक भी आपको टॉप पर देखने के लिए मिल जाएगा। ईयरफोन जैक नोट 7s में टॉप पर है जबकि A20 में नहीं है। लेफ्ट साइड में दोनों ही फ़ोन की सिम ट्रे हैं लेकिन नोट 7s में आपको डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलेगा, यानी कि आप दो सिम या एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। साथ ही दोनों ही फ़ोन आपको मिलते हैं टाइप सी चार्जिंग जैक पोर्ट के साथ में, और दोनों ही फ़ोन का स्पीकर ग्रिल बॉटम में ही है और माइक आपको बॉटम में दोनों फ़ोन का मिलेगा। A20s और A30s का यह दोनों ही फ़ोन का बैक, दोनों ही फ़ोन ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। दोनों ही फ़ोन में रिफ्लेक्टेड बैक ग्लास टाइप डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही फ़ोन में बैक में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। डिफरेंस ये है A20s में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप और नोट 7s में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। तो करते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन को यहाँ पर बूट और देखते हैं क्या क्या इंटरनल डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं बूट और सबसे पहले बात करें डिस्प्ले साइज़ की, तो A20s में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले जिसका PPI है 264। वहीं नोट 7s में जो डिस्प्ले है वो है 6.3 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले जिसका PPI है 409, यानी क्लियरिटी के मामले में A20s से ज़्यादा बेटर है नोट 7s का डिस्प्ले। और बात करें ब्राइटनेस की, तो ये मैंने कर दिया दोनों ही फ़ोन का ब्राइटनेस फुल और ऑटो मोड हटा दिया है दोनों ही फ़ोन का। और आप देखते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल क्या कहता है, तो ये है दोनों ही फ़ोन का ब्राइटनेस लेवल। और आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन का डिफरेंस यहाँ पर साफ आपको दिखाई देगा। A20s का डिस्प्ले थोड़ा सा डल आपको दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू नोट 7s। बाकी दोनों ही फ़ोन में वाटर ड्रॉप नॉच आपको दिया हुआ है। सैमसंग बोलता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले और MI बोलता है वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं। साथ ही दोस्तों बात करें दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की, तो ये अबाउट फोन सेक्शन दोनों ही फ़ोन का आप देख सकते हैं। बात करें UI की, तो सैमसंग वर्क करता है 1 UI पर जबकि नोट 7s वर्क करता है MIUI 10.3 पर। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है एंड्रॉयड पाई। साथ ही दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो A20s में जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 450 जो कि वर्क करता है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया हुआ है। वहीं बात करें नोट 7s की, तो इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 660 जो कि वर्क करता है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। दोनों ही प्रोसेसर सेम टेक्नोलॉजी वर्क करते हैं लेकिन अगर क्लॉक स्पीड की बात करा जाए तो स्नैपड्रैगन 660 स्नैपड्रैगन 450 को बीट कर देगा। साथ ही बात करें बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोन में 4000mAh की बैटरी आपको दी हुई है, यानी कि पावर की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। बैटरी दोनों ही फ़ोन का अच्छा बैकअप आपको देगी। साथ ही दोस्तों बात करें एडवांस फीचर की, दोनों ही फ़ोन में कुछ एडवांस फीचर्स आपको दिए हुए हैं जैसे MI में डुअल ऐप आपको दिया हुआ है, सैमसंग में भी कुछ एडवांस ऐप आपको दिए हैं। सेकंड स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सैमसंग में स्मार्ट पॉपअप व्यू आपको मिल रहा है, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन, रिव्यू एनिमेशन, मोशन एंड जेस्चर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इजी म्यूट, डायरेक्ट कॉल, वन हैंड मोड, फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही डुअल मैसेंजर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसे Redmi में आपको डुअल ऐप मिलता है ऐसे ही सैमसंग में डुअल मैसेंजर आपको मिल रहा है, पैनिक मोड आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि दोनों ही फ़ोन में कुछ ना कुछ फीचर्स आपको मिल रहे हैं एडवांस। साथ ही ये डिजिटल वेल्बिंग जो आजकल Redmi के लेटेस्ट सेटों में आने लगा है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, सॉरी एप्लीकेशन नहीं है ये फीचर्स है, जो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। आजकल Redmi 8A, Redmi 8 Note 8 सब में यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स की, तो दोनों ही फ़ोन में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों ही अवेलेबल हैं। और बात करें परफॉर्मेंस की, तो मैं यहाँ पर सेट करके आपको दिखाऊंगा कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहता है। तो दोनों ही फ़ोन में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक हमारे हो चुके हैं सेट। बात करें परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक को, तो ये मैंने किया यहाँ पर टैप और देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा A20s थोड़ा सा स्लो अनलॉक हुआ यहाँ पर, एक और बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, और इस बार शायद फिंगर सही से नहीं लगी। ये मैंने किया टैप और A20s फिर से लेट अनलॉक हुआ, ये मैंने किया टैप और A20s फिर से अनलॉक हुआ लेट, एक और बार फिर से A20s अनलॉक हुआ लेट। बात करें फेस लॉक की, तो वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से ये वर्क कर रहा है।
तो फिलहाल दोनों फ़ोन का स्क्रीन ऑफ, ऑन करते ही जैसे ही फेस के आप आगे ले जाएंगे आपने देखा नोट 7s जल्दी अनलॉक हुआ। एक और बार चेक कर लेते हैं, नोट 7s फिर से जल्दी अनलॉक हुआ। एक और बार चेक कर लेते हैं तो नोट 7s फिर से जल्दी अनलॉक हुआ। यानी कि फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों में ही नोट 7s ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू A20s, क्योंकि ये नोट सीरीज का सेट है और काफ़ी पहले आ चुका है रेडमी का। अभी प्राइस पर थोड़ा सा कम हो गए हैं इसलिए मैं इसका कंपेरिजन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में प्राइस इसके थोड़े से ज़्यादा थे। और बात करें दोनों ही फ़ोन की अब कैमरे की, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ A20s में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है आपको, जबकि नोट 7s में डुअल कैमरा सेटअप है। ट्रिपल कैमरा सेटअप का A20s में एक बेनिफिट, अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट आप क्रिएट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, जो कि नोट 7s में आपको नहीं मिलेगा। बाकी डेप्थ सेंसर दोनों ही फ़ोन में है, HDR दोनों ही फ़ोन में वर्क करता है, फ्लैश का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं HDR ऑटो अप्लाई यहाँ पर हो रखा है। साथ ही दोनों ही फ़ोन में आपको फिल्टर्स, ब्यूटी फेस जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये A20s में अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, साथ ही ये फ़िल्टर्स और ब्यूटी मोड्स दोनों ही फ़ोन में अवेलेबल हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही ब्यूटी मोड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सेटिंग में जाकर निकलेगा। और 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको यहाँ से जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा, अन्यथा इसमें 12 मेगापिक्सल पर फोटो क्लिक होते रहेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको 48 मेगापिक्सल का फोटो कैप्चर करना है तो वहाँ से जाके आपको सेटिंग में से एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ ही ये A20s में अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये तीन फ्लावर टाइप डिज़ाइन, इसमें आप 120 डिग्री तक का फोटो कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही पोर्ट्रेट मोड नोट 7s में मिल रहा है और A20s में आपको मिलेगा यहाँ पर लाइव फोकस शॉट। साथ ही A20s में आप बैकग्राउंड की ब्लरनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि नोट 7s में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही नोट 7s में नाइट मोड आपको दिया हुआ है जो कि A20s में नहीं है। प्रो मोड दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर अवेलेबल है, पेनोरोमा शॉट दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक नाइट शॉट को छोड़ दें तो बाकी सारे फीचर्स लगभग लगभग सेम है। A20s में अल्ट्रा वाइड एंगल है जो कि नोट 7s में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही दोस्तों बात करें दोनों ही फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग की यहाँ पर, तो दोनों ही फ़ोन का पहले चेक कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग मोड। सबसे पहले आपको बता दूं नोट 7 में स्लो मोशन है, 120 FPS पर वर्क करता है और फुल एचडी तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं नॉर्मली इससे। और A20s से भी आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरे से, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। बस स्लो मोशन एक ऑप्शन जो कि आपको A20s में देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरे की, तो दोस्तों नोट 7s में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और जो सारे फीचर्स आपको रियर पर मिल रहे थे वही सारे फीचर्स आपको फ्रंट पर भी मिल जाएंगे। केवल एक प्रो मोड को छोड़ दें बाकी सारे फीचर्स सारे वही हैं और वीडियो क्वालिटी भी 30 FPS पर फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड आप कर पाएंगे। ये फोटो मोड, HDR, AI, फिल्टर्स यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही पोर्ट्रेट मोड भी फ्रंट पर अवेलेबल है, नाइट मोड रियर पर वर्क करता है तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। स्क्वायर मोड वर्क करेगा फ्रंट में और रियर में दोनों में, और पेनारोमा शॉट फ्रंट पर वर्क कर नहीं करता है। तो वहीं बात करें A20s की, इसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा फोकल वैल्यू 2.0 के साथ में। और अगर बात करें फ़ीचर्स की, तो जो तीन फ़ीचर्स आपको रियर पर मिलते थे वही तीनों फ़ीचर्स आपको फ्रंट पर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यह वीडियो मोड, और बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फुल एचडी तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे A20s के फ्रंट कैमरे से भी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ ही लाइव फोकस शॉट यहाँ भी है जो रेडमी में प्रो पोर्ट्रेट मोड करके दिया हुआ है। ये नॉर्मल फोटो मोड, यहाँ पर आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन मिल जाएगा। फिल्टर्स और ब्यूटी मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आप अपने फ़ोटो पर अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही A20s में भी HDR ऑटो अप्लाई रहता है फ्रंट कैमरे पर भी, और साथ ही ये लाइव फोकस, यहाँ भी आप बैकग्राउंड की ब्लरनेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। तो ये हुई दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरे की बात। अब टोटली अगर बात करें दोनों ही फ़ोन में से किसका कैमरा अच्छा है, तो मैं नोट 7s के कैमरे को भी अच्छा बताऊँगा क्योंकि उसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा हैं और क्वालिटी भी A20s से ज़्यादा अच्छी है। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के प्रीलोडेड एप्लीकेशन की, तो काफ़ी सारे प्रीलोडेड एप्लीकेशन यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि फेसबुक और अमेजोन, नेटफ्लिक्स, डेली हंट, ओपेरा मिनी, ओपेरा न्यूज़, और सैमसंग में कुछ और एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। स्नैपचैट का ऑप्शन यहाँ पर बढ़ गया है और नेटफ्लिक्स दोनों ही फ़ोन में है। व्हाट्सएप नहीं है दोनों ही फ़ोन में, बाकी सारे फीचर्स दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फाइनली बात करें दोनों ही फ़ोन के प्राइस की, तो A20s दो वेरिएंट में 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 11,990 रुपये, और 4GB रैम के साथ
64 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 13,990 रुपये। वहीं रेडमी नोट 7S आज की डेट में 9,000 रुपये में आपको 3 GB 32 GB मिल जाएगा, और आपको 4 GB 64 GB चाहिए तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो नोट 7S काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू A20s। बस कुछ फीचर्स हैं जैसे अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट आपको नहीं मिलेगा, बाकी लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा वो A20s में आएगा, नोट 7S में हो सकता है नहीं आए क्योंकि कंपनी की तरफ से हो चुका है ये बंद। तो बस यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं नोट 7S परचेज करने में, बाकी काफ़ी अच्छा सेट है नोट 7S। तो ये था दोस्तों हमारा रेडमी नोट 7S और सैमसंग गैलेक्सी A20s के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।